अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको फेज़ 5 की M एक्सटेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। फेज़ 5 की M एक्सटेंशन बेसिकली रिंग रोड के अपोजिट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, और इसका जो सबसे ईजी अप्रोच है वो पाकिस्तान चौक के एडजेसेंट जो अंडर पास बना है वो है। जैसे ही आप अंडर पास एग्ज़िट करते हैं आपको बिल्कुल सामने फेज़ 5 की M एक्सटेंशन मिलती है। वहाँ पे डेवलपमेंट किस तेज़ी से जारी है और वहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए आइए आपको लेके चलते हैं फेज़ 5 की M एक्सटेंशन ऑन ग्राउंड विज़िट के लिए। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक पर, और आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल राइट साइड पर पाकिस्तान चौक है, और यहाँ से आप जैसे ही राइट लेंगे और बिल्कुल राइट पर अंडर पास है और जो के जा रहा है सीधा फेज़ 5 M एक्सटेंशन की तरफ। तो आइए चलते हैं। तो अंडरपास से जैसे ही हमने एग्जिट किया है तो उसके बिल्कुल सामने फेज़ 5 की M एक्सटेंशन थी। आप उसे यू टर्न लेंगे और टुवर्ड्स रिंग रोड अगर आप जाते हैं तो आपके बिल्कुल रिंग रोड के ऑपोजिट साइड पे ये फेज़ 5 की M एक्सटेंशन है। जी तो व्यूवर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं फेज़ 5 की M एक्सटेंशन पे ऑन ग्राउंड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारपेटेड रोड्स हैं और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से जारी है। ओवरहेड टैंक्स जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और यहाँ पर जो आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं वो ऑन ग्राउंड लेवल प्लॉट्स मिल रहे हैं। बात कीजिए यहाँ पर अप्रोच की, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बड़ी ईजी एक्सेस पे है फेज़ 5 M एक्सटेंशन। रिंग रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको फेज़ 5 की M एक्सटेंशन मिलती है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसकी मेन बुलेवार्ड पे। तो इसके मेन बुलेवार्ड पे आपको 8 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल की भी ऑप्शंस ईज़िली मिल सकती हैं। ऑल्दो इसका मैक्सिमम एरिया इस टाइम नॉन पोजेशन है, बट जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से जारी है कि यहाँ पे पोजीशन भी अनकरीब अनाउंस हो जाएगा। कुछ प्लॉट्स, एक कनाल के कुछ प्लॉट्स हैं जो के पोजीशन जिनमें अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत घर भी वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। नियर फ्यूचर में जैसे ही पोजीशन अनाउंस होता है तो आप अपना घर इजीली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फेज़ 5 की जो M एक्सटेंशन है, इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ये हैं कि नियर फ्यूचर में इसकी जो मेन रोड है वो 9 प्रिज्म के साथ भी कनेक्ट होने के चांसेस हैं, एंड इफ़ इट इज़ सो तो यहाँ पे जो प्राइसेस में भी काफ़ी एक जंप उम्मीद की जा सकती है। इसमें प्राइसेस काफ़ी हाई अप होंगी, और मेन रिंग रोड से इसकी काफ़ी इजी अप्रोच है, और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जैसे LGS, बीकन हाउस, ये भी इस वक्त वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग नियर फ्यूचर में अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फेज़ 5 की M एक्सटेंशन में इस टाइम प्लॉट ले सकते हैं, और नियर फ्यूचर में जैसे ही पोजीशन अनाउंस होता है वो अपना घर भी वहाँ पे बना सकते हैं। जहाँ तक बात है यहाँ पर प्राइसिंग की, तो जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो 8 मरला कमर्शियल का जो इस वक्त रेट है यहाँ पे वो है तकरीबन 6.5 करोड़ से 7 करोड़ के दरमियान, और 4 मरला कमर्शियल का रेट इस वक्त 3 करोड़ से 3.25 करोड़ के राउंड अबाउट आपको मिलता है। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात की जाए तो 2 कनाल का जो रेट है इस वक्त यहाँ पे 6 से 6.5 करोड़ के दरमियान मिलता है आपको रेजिडेंशियल प्लॉट 2 कनाल का, और कनाल की जो प्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट मिनिमम 1.75 करोड़ से लेके मैक्सिमम 2.25-2.30 करोड़ तक भी इनका रेट्स पहुंच चुका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10 मरला के ऑप्शंस हैं वो आपको 1.15 करोड़ से लेके मैक्सिमम 1.45-1.50 करोड़ तक भी यहाँ पे इनकी प्राइसेस हैं। जी तो ये वीडियोस बनाने का मकसद आपको टाइमली अपडेट करते रहना है कि जो M एक्सटेंशन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। मज़ीद हम आपको वक्तन फवक्तन डेवलपमेंट से आगाह करते रहेंगे,
और मज़ीद सेलिंग और बाइंग के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मेरे से किसी भी वक्त रابطہ कर सकते हैं। आई वुड रियली लव टू हेल्प यू। एंड टिल देन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।